नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे, माउंटेन के बारे में स्टडी कर रहे थे, और माउंटेन वगैरह के बाद हम लोगों ने देखा, फिर जो है सो पवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो विंड वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो पवन में भी हम लोगों ने जो एक पवन के प्रकार को हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं जो अस्थाई पौने हैं, परमानेंट पौने हैं, उनको हम लोग देख चुके थे। लेकिन अब जो देखने वाले हैं वह है आपका अस्थाई पवन। अस्थाई पवन का मतलब होता है साथियों अस्थाई पवन। भूगोल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अस्थाई पवन। अस्थाई पवन क्या होते हैं, समझ गए, इसके बारे में हम लोग को देखना है आज। तो अस्थाई पवन में सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए तो हम बात करेंगे अस्थाई पवनों में मानसूनी पवनों के बारे में और समीर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, मानसूनी पवनों के बाद हम लोग समीर की चर्चा करेंगे। इसमें आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में जब पवन चैप्टर को पढ़ा जाता है तो यहाँ पर दो तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, किसी भी स्थान पर तापमान और दाब में जो अंतर होता है, इससे हवाओं की गति में भी परिवर्तन आ जाती है। हवाओं की मतलब तापमान और दाब में वायु दाब में परिवर्तन होने से, आप जानते हैं कि भाई पेटियां तो इसी तरीके से निर्मित होती है ना, पेटियां बनती है, जो पेटियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे वह उष्णकटिबंध की पेटी हो, उष्णकटिबंधीय पेटी हो, निम्न वायुदाब की पेटी हो, या फिर उच्च वायुदाब की पेटी हो, ये सब जो भी बने, इनका बनने का रीजन तो यही था, मेन्ना मोटो तो यही था भाई, तापमान और वायु दाब में क्या हो जाना, डिफरेंट हो जाना, अंतर पड़ जाना। तो आप सब इसी को ध्यान में रखकर के यहाँ पर भी चीज़ों को देखेंगे कि इन हवाओं के रुख में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के साथ चर्चा किया जाएगा साथियों कि मानसूनी पवन क्या होता है। तो मानसूनी पवन में दो तरह के पवन आते हैं, अस्थाई पवन के अंतर्गत जो पहली चीजों की चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वह है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन, आप सब जानते हैं कि मानसूनी पवन दो प्रकार का होता है। मानसूनी पवन में दो प्रकार की चीजों को हम लोग देखेंगे, तो ग्रीष्मकालीन और दूसरा होता है शीतकालीन। देख रहे हैं आप, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो प्रकार हैं यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन हैं पवने। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भाई ये पवन क्या होते हैं, तो ये आपके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पवन क्या होते हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा, समझ गए। तो ग्रीष्मकालीन पवन जो होते हैं भाई, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ग्रीष्मकालीन पवने होंगी तो ये छः महीना चला करती हैं। कैसे चला करती हैं, छः महीना ये पवन चला करती हैं। तो ग्रीष्मकालीन पवन जो हैं ये गर्मी के मौसम में चलती हैं। कैसे, किधर चलती हैं, गर्मी के मौसम में। तो ग्रीष्मकालीन पवन जो है मतलब वर्ष भर में 6 महीना ग्रीष्मकालीन और 6 महीना शीतकालीन पवन चला करते हैं, समझ गए। तो ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का डिवाइड भी किया जाए तो ग्रीष्मकाल में जो हवाएं होती हैं, समझ गए, वो किधर चलती हैं, तो ग्रीष्मकाल में जो हवाएं होती हैं वह समुद्र से स्थल की ओर चला करती है। समुद्र से किस साइड में, समुद्र से स्थल की ओर चला करती हैं साथियों। ग्रीष्मकाल में हवाएं किधर चलती हैं, जो ग्रीष्मकालीन पवने जो होती हैं वे समुद्र से स्थल की ओर चला करती हैं ग्रीष्मकाल में। और यदि शीतकालीन पवनों की बात किया जाए तो शीतकाल में पवन जो होता है वह किधर चलता है, तो शीतकाल में पवन जो है समुद्र से स्थल की ओर, देखिए आप, और शीतकाल में पवन जो है स्थल से समुद्र की ओर चला करता है। किधर चलेगा साथियों, तो यह जो है स्थल से समुद्र की ओर चलेगा, स्थल से समुद्र की ओर चलता है। ध्यान से समझिएगा बात को, ग्रीष्मकाल मानसूनी पवन को दो भागों में बांट दिया गया, ग्रीष्मकालीन पवन शीतकालीन पवन। जो ग्रीष्मकालीन पवन है मतलब गर्मी का मौसम जो होता है, उस समय क्या होता है कि हमारा स्थलीय भाग गर्म हो जाता है,
हमारा स्थलीय भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मैं आपको इसको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए आपका इंडिया ही है, किसी भी तटवर्ती क्षेत्र को एग्जाम्पल में हम लेते हैं, तो चलिए मैं कोई बात नहीं करता, इंडिया का भी बात लेता हूँ। इंडिया जैसे हो गया साथियों आपका, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया आपका क्या है कि इंडिया जो है क्या हो चुका है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल का मौसम है। क्या है? ग्रीष्मकाल का मौसम है इंडिया में, ग्रीष्मकाल है। तो भाई जब ग्रीष्मकाल रहेगा तो यहाँ पर तो गर्म रहेगा ना जी, ग्रीष्मकाल पड़ेगा तो गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो निम्न वायु दाब का निर्माण होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा। भाई जब यहाँ पर ग्रीष्मकाल का समय है तो ग्रीष्मकाल में तो लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनेगा, और समुद्रों में यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। समुद्रों में क्या बनेगा? समुद्रों में हाई प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए जो हवाएं होती हैं वे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, हाई प्रेशर से किधर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। और समुद्र में यहाँ स्थल पे क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि स्थल पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया ना। अभी अगर समुद्र की बात करेंगे हम लोग समुद्र पर, तो ग्रीष्म काल में समुद्र पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ग्रीष्म काल में समुद्र पर जो ग्रीष्म काल का समय जब आता है, तो ग्रीष्म काल के समय क्या होगा, ग्रीष्म काल के समय जो होगा वह स्थल पर लो प्रेशर, समुद्र पर हाई प्रेशर। इसलिए हवा किधर चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, मतलब समुद्र से स्थल की ओर चला करेंगे। ये हो गया आपका ग्रीष्म काल का कॉन्सेप्ट। अब यदि बात किया जाए कि शीतकालीन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, शीतकाल में हवा स्थल से समुद्र की ओर क्यों चलता है, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर कि शीतकाल का समय मान लीजिए है, क्या है, शीतकाल का समय है। तो शीतकाल का समय यदि रहेगा तो शीतकाल के समय में डिफरेंट हो जाएगा चीजें, क्योंकि शीतकाल का जब मौसम आएगा, जब ठंडा का मौसम आएगा, तो शीतकाल में आप जानते हैं यदि शीतकाल आ जाता है, शीतकाल यदि आ जाए तो शीतकाल में भारत में क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत में हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा। तो शीतकाल में जब हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है साथियों, तो स्थल पर क्या बन जाएगा, स्थल पर आपका हो जाएगा, स्थल पर क्या हो जाएगा, स्थल पर आपका हाई प्रेशर हो जाएगा और समुद्र पर आपका लो प्रेशर हो जाएगा। तो इसीलिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब इधर चलेंगी हवाएं तो स्थल से समुद्र की ओर चला करेंगी शीतकाल में, जबकि ग्रीष्मकाल में हवाएं किधर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर, और शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर। ये दोनों बातों को आप लोग याद रख लेंगे, समझ गए, भूलेंगे नहीं ना, क्योंकि इसे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और अस्थाई पवनों में ही हम लोग समीर की चर्चा करने वाले हैं साथियों। किसकी बात करने वाले हैं, समीर की बात करने वाले हैं कि समीर क्या होता है। समीर देखिए, समीर को मुख्यतः ऐसे देखें तो चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में, चार भागों में, समझ गए। जो स्थल समीर हो गया, समुद्र समीर हो गया, स्थलीय समीर, समुद्र समीर, समझ गए। और स्थलीय समीर, समुद्र समीर के बाद आपका आता है जिसमें इसमें एक और विभाजन किया जाता है, समझ गए। और वह विभाजन जो होता है आपका, विभाजन है जैसे घाटी समीर और पर्वत समीर। क्या होता है, घाटी समीर और पर्वत समीर, ये भी डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, तो इन चीज़ों पर भी हम लोगों को फोकस करना होगा, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें, हम लोगों के पहुंच से बाहर न जाने पाए, इस चीज़ को हम लोगों को बखूबी ध्यान देना होगा साथियों। तो आइए हम सब देरी न करते हुए इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपका यहाँ पर कि जो पवने होती हैं वह समीर क्या होता है, समीर कैसे चलती है साथियों। तो समीर के चलने का भी कोई विशेष रीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर समीर का भी एक रीजन होता है कि वही तापमान और दबाव में जब डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो तापमान और दबाव में जब दैनिक डिफरेंस आ जाते हैं, इसी से जो है आपके जो पवनों के दिशा होते हैं उसमें समीर में हवा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देखोगे कि अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि समुद्र समीर और स्थल समीर क्या होते हैं, समुद्र समीर और स्थल समीर क्या होते हैं साथियों। तो आइए हम बात करते हैं, समीर को तो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, समीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया भाई, एक हो गया आपका समुद्र समीर, दूसरा हो गया स्थल समीर। चलिए बात करते हैं
समुद्र समीर, समुद्र समीर हो गया आपका एक। दूसरा हो गया आपका साथियों स्थल समीर, क्या हो गया स्थल समीर हो गया। ये दो आपके हो गए टॉपिक है ना, समीर दो प्रकार के यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो समुद्र समीर और स्थल समीर की चर्चा कर रहे हैं। इसमें यदि बात किया जाए कि समुद्र समीर और स्थल समीर में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम सब देखते हैं। जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर जाने लगे तो उसे कहा जाता है समुद्र समीर, और जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चले तो उसे कहा जाता है स्थल समीर। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस को भी हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीजें परिवर्तित होती हैं। साथियों देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें परिवर्तित होंगी, उसे बहुत केयरफुल तरीके से आपको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही तो महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक, अब देखिए आप यहां पर समुद्र समीर और स्थल समीर दोनों को ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों समझ गए, ये देखिए आपका हो गया स्थल भाग, ये हो गया आपका स्थल भाग हो गया साथियों, ये स्थल भाग हो गया आपका, समझ गए। यहां से भी ये जो हो गया आपका, ये देखिए आपका ये स्थल भाग हो गया साथियों, समझ रहे हैं बात को ना, स्थल भाग आपका दिखाई पड़ गया, ये हो गया आपका जो है स्थलीय भाग, समझ गए। अब देखिए स्थल भाग यदि आपका हो गया, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, यह स्थल भाग है ना स्थल, और ये आपका समुद्र भाग है, क्या है समुद्र भाग है, यह भी आपका समुद्र भाग है साथियों, यह समुद्र भाग है जो जल से भरा हुआ है, समुद्र भाग है जो जल से भरा हुआ है। तो अब ये देखना है कि समुद्र समीर और स्थल समीर कब चला करते हैं, दिन में या रात में क्या डिफरेंस होता है इनमें, इसी चीज को हम लोगों को देखना है। तो ये तो आप देख लिए, ये समुद्र हो गया जो जल से भरा है, जल ही जल है समुद्र में, और एक स्थल भाग है लैंड पार्ट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिन के समय क्या होता है, कि दिन के समय वायु की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर दिन की घटना देखने को मिलेगी आपको। दिन के समय समुद्र समीर चला करते हैं, दिन के समय समुद्र समीर चला करते हैं, और रात्रि के समय जो है सो आपके क्या चलते हैं, तो स्थल समीर चला करते हैं। रात्रि में क्या चलते हैं, रात्रि में स्थल समीर, और दिन के समय समुद्र समीर चला करता है। तो दिन और रात में क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि सबसे देखिए रात स्थल समुद्र समीर कब चलेगा साथियों, दिन में, और स्थल समीर कब चलता है, तो रात में चलता है साथियों। तो अब देखिए कैसे चलेगा यह, देखिए समुद्र समीर जो होता है साथियों, समुद्र समीर में क्या होता है, इस बात को आप याद रखें फार्मूला की तरह। देखिए जो स्थलीय भाग होता है, लैंड पार्ट जो होते हैं वो लैंड पार्ट स्थलीय भाग है ना, जल्दी ठंडा जल्दी गर्म हो जाते हैं, जो लैंड पार्ट होंगे वे फास्टली हॉटेस्ट भी होंगे, और फास्टली वे कोल्डेस्ट भी हो जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे, मतलब जितने फास्ट ठंडे होंगे उसी तरह से वे जो है सो गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडा जल्दी गर्म स्थलीय भाग हो जाता है। इसे भी कॉपी में आप सब लिख लेंगे। जबकि जो समुद्री भाग होता है, जो जलीय भाग होता है, वह देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, वह न तो जल्दी ठंडा होगा और न ही जल्दी गर्म होगा आपका जलीय भाग, आपका समुद्री भाग। तो आप देख रहे हैं कि दिन के समय इसकी स्थिति है, तो दिन के समय क्या होता है साथियों, दिन के समय जो हवा होते हैं ना उनके रुख में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन में जब समुद्री भाग ठंडा नहीं होगा जल्दी, मतलब यहाँ पर कुछ हाई प्रेशर होगा, और जब स्थलीय भाग गर्म हो जाएगा, स्थलीय भाग दिन में क्या हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। आप लोगों ने गर्मी का मौसम तो देखा है ना, गर्मी के मौसम में क्या होता है, भारत में यदि गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि गर्म हुआ तो सुबह में कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है सुबह, जब तक सूर्योदय का ज्यादा तापमान ज्यादा न बढ़ जाए, लेकिन दोपहर तक कोई बाहर निकलना चाहता है, नहीं निकलना चाहता, इसी तरह से वह कब निकलना चाहता है,
फिर जैसे जैसे शाम होता है साथियों, शाम जैसे जैसे होता है तो जैसे 5-6 बजते हैं लोग अपने घरों के बाहर निकल करके बैठना प्रारंभ कर देते हैं। कई लोग अपने घरों के बाहर पानी का छिड़काव करने लगते हैं ताकि कुछ ठंडा पन आ जाए। कितने लोग अपने छतों पे पानी को डालने लगते हैं, है ना, उसे ठंडा करने के लिए ताकि छत पे सो करके भी आनंद ले सकें। तो इस तरह से भी क्या होता है कि शाम के समय स्थलीय भाग ठंडा होने लगता है और दिन में क्या हो जाता है, गर्म जल्दी हो जाता है। और रात्रि में स्थल जो जलीय भाग है वह गर्म होने लगता है। आप ठंडा के दिन में जब जाओगे नदी में नहाने के लिए तो आपको पानी गर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी आपको गर्म मिलेगा साथियों। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, इस बात को याद रखना कि जलीय भाग देर से ठंडा देर से गर्म, जबकि स्थलीय भाग जल्दी ठंडा जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिन की स्थिति रहेगी तो गर्म वायु क्या होगा कि गर्म वायु देखिए यहाँ से ऊपर उठ रहा है। ये देखिए गर्म वायु जो है साथियों, गर्म वायु ऊपर उठ रहा है, समझ गए, गर्म वायु ऊपर उठा, समझ गए। ये देखिए यहाँ पर यह गर्म वायु होगा ना, क्या होगा, गर्म वायु जो है ऊपर उठा, ऊपर उठ करके गर्म वायु, अब जब ऊपर गया गर्म वायु तो ठंडा हो गया, ऊपर जाकर क्या हो रहा है, ठंडा हो गया। अब ठंडा होकर नीचे उतर रहा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ठंडा होकर नीचे उतरता है। ठंडा होकर देखिए नीचे उतर रहा है हवा, ठंडा होकर के नीचे उतर रहा है साथियों। और नीचे जब उतरता है ये हवाएं फिर किधर चलती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं दिन में। तो यदि समुद्र समीर क्या है, इसी को समुद्र समीर कहा जाता है। जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चले तो उन हवाओं को कहा जाता है समुद्र समीर। यह घटना दिन के समय होता है। यदि स्थल समीर की बात किया जाए कि स्थल समीर की घटना कब होती है, तो स्थल समीर की घटना साथियों रात में होती है कि जब समुद्र गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद एक गर्म वायु ऊपर उठती है और गर्म वायु ऊपर उठ करके ये घूमती है। क्योंकि भाई जब नीचे से जब गर्म होकर के ऊपर जाएगा वायु तो क्या हो जाएगा, ऊपर में फैल जाता है। तो फैल कर यहाँ पर गर्म वायु ऊपर जाता है, गर्म वायु ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जाता हुआ, गर्म वायु ऊपर जाता हुआ। अब यह क्या हो रहा है कि ठंडा होकर के देखिए नीचे उतरेगा, समझ गए, देखिए ठंडा होकर के वायु नीचे उतर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि ठंडा होकर नीचे उतरता है, ठंडा होकर नीचे उतरता है, तब वायु देखिए जो है रात्रि के समय स्थल से किधर चल रहा है, स्थल से समुद्र की ओर वायु चल रही है। तो स्थल से समुद्र की ओर जो है जो हवा चलता है, स्थल से समुद्र की ओर जो होता है वह रात में चलता है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। समुद्र समीर दिन में, स्थल समीर रात में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो समुद्र समीर का कॉन्सेप्ट है, देखो दिन में क्या होता है कि दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल की गर्म वायु ऊपर उठ करके चली जाती है और ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर नीचे उतरती है संघनन प्रक्रिया के द्वारा, और फिर समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर जा रही है, समझ गए। अब देखिए अब आप यहाँ रात की स्थिति, रात में क्या होता है कि रात में समुद्री भाग जब गर्म होता है तो यहाँ से वायु देख रहे हैं ऊपर की ओर उठता है गर्म वायु और ऊपर जाकर के फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है कि जब फैल जाएगा ऊपर में तो फिर से वह संघनन प्रक्रिया द्वारा ठंडा होकर के नीचे उतरेगा और फिर यह वायु देखिए स्थल से समुद्र की ओर चला करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग पर दिन के समय जलीय भाग पर हाई प्रेशर की कंडीशन होते हैं, स्थल भाग पर लो प्रेशर का कंडीशन। और रात की स्थिति क्या होती है कि लो प्रेशर आपका समुद्रीय भाग में होता है और हाई प्रेशर आपका स्थलीय भाग पर स्थिति उत्पन्न होने के बाद ठंडा पड़ने लगता है। यहाँ के रात में स्थल पर की वायु पासा भारी होती है और समुद्र पर की वायु हल्की होती है, लेकिन दिन के समय समुद्र पर की वायु जो होती है वह क्या होता है कि वह भारी होती है और स्थल पर की वायु हल्की होती है, इसलिए ऊपर चली जाती है। यही कॉन्सेप्ट है समुद्र समीर और स्थल समीर का। आप लोग इसे जरूर बना लेंगे, क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, समझ गए। आइए हम सब बात करने वाले हैं दो और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, है ना, जिसे कहा जाता है घाटी समीर और पर्वत समीर। क्या कहते हैं साथियों, घाटी समीर और पर्वत समीर।
दो और महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया साथियों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे लिख करके जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा कथन स्थल समीर के बारे में सही नहीं है, या कौन सा जो क्वेश्चन है वह समुद्र समीर के बारे में सही नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन के प्रारूप जो हैं दे दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ें पासा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज एक बार यदि हो जाएगा तो आप लोग भी फिर बाद में आपको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। इसलिए नोट्स बना करके आप रिवाइज जरूर करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी पुख्ता हो सके, यही मैं आशा करता हूँ आप सबसे, और आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यूएसओ हम पहुँच सके, है ना। कुछ सारी चीज़ें जो हैं आप जब विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट पर कि www.guruji365.com, तो वहाँ पर कुछ आपको रिटेन सूचनाएं वहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ वीडियो से संदर्भ में जो रिटेन चीज़ें रहेंगी वो भी वहाँ पर आपको मिल सकती है साथियों। तो आप वहाँ पर भी वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारा ट्विटर भी, हमारा जो है आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का हमारा जो लिंक है वह आप परीक्षार्थी उसको लिंक को मैं भेज देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप सबको पता होगा, है ना, 9452 84 52 81 व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जाकर के मैसेज कर सकते हैं। जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कई जगहों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग पूरे स्वतंत्र हैं, कई जगह से आपको अवसर दिया गया क्वेश्चन इत्यादि पूछने का। तो आइए हम सब बात करते हैं घाटी समीर, इसकी बात करने वाले हैं। घाटी समीर हो गया पहला आपका, और दूसरा हो गया साथियों पर्वत समीर। तो घाटी समीर और पर्वत समीर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो घाटी समीर और पर्वत समीर क्या होते हैं साथियों, ये चीजों को हम लोगों को देखना है। तो जो घाटी समीर होते हैं साथियों, चलिए हम सबसे पहले अब यहाँ पर माउंटेन बनाते हैं, क्योंकि माउंटेन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक चीजों को समझना थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा साथियों, वह कठिन ही बना रहेगा हम लोगों के लिए। आइए हम सब थोड़ा सा माउंटेन की तरफ चलें, माउंटेन जब बनेगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, आएंगी ही आएंगी, इसलिए माउंटेन को बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपका हो गया, तो ये आप देख रहे हैं ये भी आपका पर्वत है साथियों, ये भी आपका पर्वत है, ये भी आपका पर्वत ही है, ये भी आपका पर्वत है, या पर्वत चोटियां हैं आपके सामने। तीन पर्वत चोटियां दिख रही हैं और दो घाटी आपको दिख रहे होंगे, तीन पर्वत चोटी दिख रहे होंगे और आपको घाटी दिख रहा होगा। ये देखिए यह घाटी है साथियों, घाटी, यह भी आपका जो है सो क्या है, यह भी आपका जो है सो घाटी ही है साथियों, समझ गए। दो घाटी आपके पास है और आपके पास तीन पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा है। घाटी समीर पर्वत समीर आपका टॉपिक है, इसमें हम लोग को देखना है। तो घाटी समीर और पर्वत समीर की जब बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम दिन की स्थिति को देखेंगे। घाटी समीर की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह दिन में होता है, और जो पर्वत समीर की स्थिति उत्पन्न होती है वह रात में होता है। पर्वत समीर की स्थिति कब होती है साथियों, तो रात में, और जबकि घाटी समीर की स्थिति कब आती है तो दिन में आती है, इस बात को भी नहीं भूलना है। जैसे स्थल समीर, जैसे समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में आपने देखा कि समुद्र समीर दिन में और स्थल समीर रात्रि में होता है, उसी तरह से इस बात को भी आप याद रखेंगे कि घाटी समीर दिन में और पर्वत समीर रात में साथियों होता है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि दिन में जो है क्या होता है कि तापमान, भाई ये भी चीजें इस बात को आप याद जरूर रखेंगे। देखिए तापमान और दबाव में अंतर होता है पर्वतीय ढालों पर, या पर्वत का ढाल है पर्वतीय ढालों पर और घाटी में, दोनों में तापमान और दबाव में अंतर पाया जाता है। पर्वत की ढाल पर और घाटी में क्या होता है कि वहां पर भी तापमान और वायुदाब में अंतर पाया जाता है साथियों। तो यह आपका हो गया पर्वत ढाल, ये क्या हो गया पर्वतीय ढाल, लिख दूं ना, पर्वतीय ढाल है आपका यह, समझ गए। यहां पर भी हो गया आपका पर्वतीय ढाल, पर्वतीय ढाल,
ये भी आपका है पर्वतीय ढाल, ये भी है साथियों आपका पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल, ये पर्वतीय ढाल है आपका, माउंटेन स्लोप है आपका, माउंटेन स्लोप आपका दिखाई पड़ रहा है। ये वैली है, ये आपका घाटी है, ये घाटी है यहाँ पर भी, ये भी घाटी है, सेकंड घाटी है। इसमें हम दिन किसी देखेंगे, इसमें रात किसी देखेंगे। देखिए दिन में क्या होता है साथियों, कि दिन में क्या होता है कि दिन में जो दिन में आपका जो घाटी की अपेक्षा ये जो ढाल होता है, पर्वतीय ढाल जो होते हैं, ये गर्म ज्यादा हो जाते हैं दिन में। दिन में क्या हो जाते हैं, तो दिन की स्थिति हम देख रहे हैं ना, ये ध्यान देना है, दिन की स्थिति देख रहे हैं। तो दिन में क्या होता है कि पर्वतीय ढाल जो होते हैं ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं साथियों। पर्वतीय ढाल क्या हो जाते हैं, पर्वतीय ढाल जो है ज्यादा गर्म हो जाते हैं साथियों। दिन की स्थिति जब रहेगी तो दिन में क्या होता है कि पर्वतीय ढाल जो होते हैं ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और घाटी जो होते हैं दिन में कम गर्म रहते हैं, जबकि पर्वतीय ढाल क्या होते हैं, ये भी जो है सो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ज्यादा गर्म हो जाते हैं। पर्वतीय ढाल जो है साथियों ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं, समझ गए इस बात को, लिखना है ज्यादा गर्म। पर्वतीय ढाल जो होता है वह दिन के समय क्या होता है कि जल्दी ज्यादा गर्म हो जाता है। चलिए ये बात देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये इस भाग को नहीं देखेंगे, तो रात्रि का है ना कंडीशन, यहाँ के रात्रि को देखना है हम लोगों को। तो इस भाग को यहाँ पर देखेंगे, जो माउंटेन है आपका इसको आप यहीं पर रह देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे इधर बता रहा हूं ये डिवाइड हो गया आपका, है ना, ये डिवाइड हो गया आपका, हो गया उधर, समझना है आपको क्या, उधर समझना है पर्वत समीर और इधर समझना है घाटी समीर, इधर समझना है आपको घाटी समीर, उधर समझना है पर्वत समीर, समझ गए। तो देखिए ये पर्वतीय ढाल जो है, ये पर्वतीय ढाल देख रहे हैं, दोनों तरफ पर्वत है, दोनों तरफ माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है साथियों। तो दोनों तरफ जब ये भी आपका पर्वत ही तो ही है, ये भी आपका पर्वत ही तो है, तो दोनों पर्वत है, दोनों पर्वत के बीच में घाटी है। अब दिन का कंडीशन है, तो दिन में क्या होगा, दिन में आप देख रहे हो कि पर्वतीय ढाल ज्यादा गर्म हो जाता है, जो माउंटेन स्लोप है ये ज्यादा गर्म हो जाता है दिन में, जबकि घाटी जो है सो ठंडी रहती है, घाटी जो है सो कम गर्म होती है। या फिर घाटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि घाटी का वातावरण क्या रहता है, तो ठंडा रहता है घाटी। तो घाटी में क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट का निर्माण होता है घाटी में दिन के समय घाटी में क्या रहेगा साथियों, हाई प्रेशर का कंडीशन रहेगा, और यहाँ पर आपका लो प्रेशर का कंडीशन आ जाएगा। इसलिए हवा किधर चलेगा, हवा जो होगा दिन के समय जो हवा होगा वह घाटी से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, घाटी से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हवा होगा। ये देखिए इस तरह से आपका पवन जो है ऊपर की ओर हवा चढ़ेगा, पर्वत की ढाल के सहारे ये जो हवाएं हैं ये ऊपर की ओर चढ़ेंगे, इसीलिए इन्हें घाटी समीर कहा जाता है। ये घाटी समीर दिन की स्थिति उत्पन्न होती है, घाटी समीर की स्थिति कब उत्पन्न होगी, घाटी समीर की स्थिति दिन में उत्पन्न होती है साथियों। तो दिन के समय घाटी समीर होगा, जो वैली ब्रिज होगा, वैली ब्रिज कब चलते हैं, तो वैली ब्रिज जो है वे आपके दिन के समय चलेंगे, जो घाटी से, क्योंकि देख रहे हैं घाटी से जो ठंडी हवा साथियों ये क्या हो रहे हैं कि घाटी से जो ठंडी हवा है ये पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं, इसलिए जो है सो ये ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि इधर गर्म है तो इसलिए ये इधर की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का भाग गर्म होता है, पर्वतीय ढाल गर्म है, यहाँ भी गर्म है, यहाँ पे वायु हल्की है, यहाँ भी हल्की है, ये हल्की वायु ऊपर चली जाती है, इसलिए जो है सो ये जो घाटी के जो ठंडी हवाएं हैं ये पर्वतीय ढाल के सारे ऊपर की ओर चढ़ने लगती है साथियों। तो इसे कहा जाता है आपका घाटी समीर कहा जाता है, या इसे एक नाम और दिया जाता है एनाबेटिक, इसका नाम क्या दिया जाता है, एनाबेटिक नाम दिया जाता है। का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, एनाबेटिक एक ग्रीक शब्द है साथियों, और ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ने वाला,
क्या होता है, एनाबेटिक का मतलब होता है ऊपर चढ़ने वाला, तो ऊपर चढ़ने वाला, देख रहे हैं ऊपर क्यों चढ़ रहा है, इसीलिए इसे एनाबेटिक कहा जाता है। नाम याद रखेंगे एनाबेटिक, घाटी समय को क्या कहते हैं साथियों, तो एनाबेटिक कहा जाता है, एनाबेटिक याद रखेंगे ना, एनाबेटिक, ये तो आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं पर्वत शमीर के बारे में, जो पर्वत शमीर होता है साथियों, अब ये देखिए ये जो पर्वत ढाल जो था दिन में तो गर्म था, पर्वतीय ढाल जो था ये दिन में ज्यादा गर्म था और घाटी जो था वह ठंडा था, लेकिन अब दिन की घटना नहीं, अब रात की घटने को देखना है कि रात की कंडीशन है, रात की कंडीशन है साथियों, तो रात का जब कंडीशन होता है तो रात में क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर कि रात का कंडीशन जब हो जाए तो रात में क्या करना होगा हम लोगों को, कि जो यह पर्वतीय ढाल है, यह पर्वतीय ढाल जो है यह क्या होता है रात में, यह पार्थिव विकरण जानते हो, पार्थिव विकरण एक होता है, क्या होता है पार्थिव विकरण। आज जैसे क्या होता है कि पार्थिव विकरण से क्या होता है कि जो ये गर्म था दिन में और रात में क्या होता है ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहां से ऊर्जा का ह्रास होता है, तापमान का ह्रास होता है। ध्यान से सुनना बात को, रात्रि के समय पर्वतीय ढालों से पार्थिव विकरण के द्वारा जो तापमान होता है उसका ह्रास होता जाता है, क्या होता जाता है ह्रास होता जाता है, मतलब घटता जाता है, वह कम होता जाता है, समझ रहे बात को। तो रात्रि के समय क्या होगा, पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं, रात्रि के समय पर्वतीय ढाल जो होते हैं एक ठंडे हो जाते हैं, ठंडे हो जाएंगे पर्वतीय ढाल, क्या हो जाते हैं साथियों, तो पर्वतीय ढाल जो है ठंडे हो जाते हैं और घाटी क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, घाटी क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा साथियों, इसीलिए जो है सो माउंटेन ब्रिज इसे कहा जाता है इंग्लिश में, माउंटेन ब्रिज है ना। रात की घटना अगर होगी तो रात में पर्वतीय ढाल जो होते हैं रात के समय, क्योंकि पार्थिव विकरण के द्वारा पर्वतीय ढालों का जो उष्मा होता है उनका ह्रास हो जाता है, तापमान का ह्रास हो जाता है, जिससे ये रात में ठंडे हो जाते हैं पर्वतीय ढाल और घाटी गर्म हो जाते हैं, इसलिए रात्रि के समय जो हवा चलेगी आपकी वह किधर चलेगी, रात्रि के समय हवा जो है वह पर्वतीय ढालों से नीचे की ओर उतरेगी घाटी की ओर, क्योंकि घाटी में लो प्रेशर का कंडीशन निर्मित हो जाता है और ढाल के पास हाई प्रेशर का कंडीशन निर्मित हो जाता है, इसलिए ये हवाएं जो हैं ऊपर से पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे की ओर उतरने लगती हैं, इसे कहा जाता है माउंटेन ब्रिज, क्या कहते हैं इसे माउंटेन ब्रिज कहा जाता है साथियों, तो ये नीचे की ओर उतरने लगते हैं जब, इन्हीं को कहा जाता है माउंटेन ब्रिज कहा जाता है, समझ गए, इस बात को आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, यही माउंटेन ब्रिज का कंडीशन होता है कि नीचे की ओर हवाएं यहाँ पर उतरने लगती हैं रात्रि के समय, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या माउंटेन ब्रिज, पर्वत समीर। इसका एक नाम और दिया गया है केटाबेटिक, नाम क्या दिया गया है साथियों केटाबेटिक नाम दिया गया है, केटाबेटिक भी एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है नीचे उतरने वाला, केटाबेटिक का मतलब क्या होता है नीचे उतरने वाला। ये दो कॉन्सेप्ट आपने देखा साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एटाबेटिक और केटाबेटिक। एनाबेटिक का मतलब होता है कि घाटी समीर वैली ब्रिज होते हैं, तो वैली ब्रिज जो होता है या दिन में होता है जबकि माउंटेन ब्रिज रात में होता है, इस बात को केटाबेटिक कहते हैं नीचे उतरते हुए, ये आप देख रहे हैं, समझ गए, ये आपने समझ लिया कि दिन में क्या होगा, दिन की कंडीशन जब होगी तो ये जो आपके जो घाटी होगा घाटी ठंडा रहते हैं लेकिन पर्वतीय ढाल ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए हवा जो होता है वह घाटी से पर्वतीय ढाल के सारे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, इसीलिए इसे एटाबेटिक कहते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हुए। और केटाबेटिक जो पार्थिव, अब जो जो पर्वत शमीर है इसमें क्या होता है कि जो पर्वतीय ढाल थे वे रात्रि के समय क्या होते हैं कि पार्थिव विकरण के द्वारा इनके ऊर्जा का ह्रास होगा, तापमान का ह्रास होगा और ये ठंडे हो जाएंगे लेकिन घाटी गर्म हो जाएगा, इसलिए हवाएं पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर आने लगती हैं, नीचे उतरने लगती हैं, पर्वतीय चोटियों से घाटी की ओर नीचे उतरने लगती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है केटाबेटिक, मतलब नीचे उतरते हुए, समझ गए, तो इसे याद कर लेंगे आप लोग साथियों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
समझ गए। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे और समझते चलेंगे चीज़ों को, तो आगे के चीज़ों को भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको आज बताने का कोशिश किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप लोगों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप सबका सहयोग इसी से है। आप लोग सहयोग दें और आप लोग आगे बढ़ते जाएं। हमारा मोटो है कि अश्विनी जीएस क्लासेस में आप लोगों को जीएस के एक एक फंडे को आप लोगों को बता दें, जिससे कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंप्लिसिटी तरीके से आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो सके और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। यही हमारा मोटो है और इसी को लेकर मैं अपने चला हूँ, एक अपना मोटो मान करके, और छात्रों तक इसी को पहुँचा रहा हूँ, जिससे कि हमारे छात्रों को वे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।